हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। 10th क्लास आईबीएसई बोर्ड मैथ्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस में मैं रोजानी यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का अपना आज का है दसवां क्वेश्चन, दूसरे का दसवां क्वेश्चन है बच्चों। बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में पिक करके ट्यूशन की फोटो खींच के वापस भेज दी मेरे को, मैं उसका सोल्यूशन नहीं करके बोला। 4x² - 4a² + 1 की घात 4 - b की घात 4 = 0 ये आपका क्वेश्चन है, और इसको भी आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको s और p है वो दोनों निकले हैं लेफ्ट साइड में। s होता है आपका अक्ष का गुणा और p जो होता है वो अचर पद और अक्ष स्क्वायर का गुणा। क्या होता है? अचर पद और अक्ष स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ s बराबर आपका हो जाता है -4a² p बराबर हो जाएगा आपका 4 * 1 की घात 4 - 1 की घात 4। अब ध्यान दीजिए थोड़ा कि जो p है अपना उसी के दो टुकड़े करने हैं, तो यहाँ पर जो दो टुकड़े करने हैं वो आपको यहाँ a और b का मान मालूम नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर टुकड़े करने के लिए थोड़ा गोटा वगैरह लगाना है। तो ये है कि आप a की घात 4 - b की घात 4 लिख सकते हैं a² - b² + a² + 3² इस चीज को आप इस रूप में लिख सकते हो a² - b² + a² + 3² क्लियर। अब 4 को भी आप दो टुकड़े करके लिख सकते हो 2 * 2 a² - b² + a² + 3²। अब देखिए बच्चों, इसको दो टुकड़े इसके करने हैं, तो दो टुकड़े क्या हो सकते हैं जिससे आपके -4a² बनेगा। तो यहाँ पर p के जो गुणनखंड है वो इन्हीं चीज़ों से मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि p के जो गुणनखंड है वो एक बार 2 को इसके साथ में ले लूँ तो 2a² - b² बनेगा, इसके साथ में ले लूँ तो 2a² + b² समझ आ रहा है। ये 2 एक बार इसके साथ में बांट दिए 2 को इसके साथ में, क्योंकि गुणा में हम चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं इस टाइप से। अब देखिए इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को अगर मैं जोड़ूँ तो ये जुड़ के 4a² बनेगा, क्योंकि 20² कट जाएगा तो 2a² - 2a² जुड़ के 4a² होगा। लेकिन मेरे को ये माइनस का चाहिए, तो सीधा सा है कि इसको भी अगर मैं माइनस का, इसका भी माइनस का अगर चिन्ह यूज करूँ तो ये -2a² - -2a² ये +2b² -2b² कट जाएगा। इसका मतलब है कि आपके दो जो इसके टुकड़े होंगे p के गुणनखंड होंगे वो -2a² - b² - 2a² + b² करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले दी गई द्विघात समीकरण निम्न है। सबसे पहले समीकरण को वापस उतारिए, 4x² - 4a² + 1 की घात 4 - 3 की घात 4 = 0। अब इसे आप क्या कीजिए आगे, 4x² - 4a² यहाँ 1 की घात 4 - 1 की घात 4 को मैंने फॉर्मूला लिखा था कि a² + b² a² - b² के रूप में इसको लिख सकते हो, या 4x² यानी जोड़ का चिन्ह। अब -4a² के दो गुणनखंड -2a² + b² और -2a² - b² ये बन गए। आगे यहाँ पर आप सिक्का को प्लस a² + b² और a² - b² बराबर कितना 0। या अब देखिए आप ये जो अक्ष है इसको एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई कराओगे तो 2a² + b² गुणा और ये -2a² - b² * अक्ष प्लस a² + b² और a² - b² बराबर कितना 0। या अब जोड़ का चिन्ह है इसको छुपा लो तो अंदर का जो भी वैल्यू है उसको लिख दो, तो 4x² - 2a² + b² * -2a² - b² * प्लस a² + b² और a² - b² = 0। अब देखिए बच्चों, इसमें स्वरूप के दो लाश के दोनों को मैंने लेना, क्योंकि 4 पर बन चुके हैं 1, 2, 3 और 4। अब इसमें स्वरूप के दो ये पद इनमें और आखिर के जो दो पद है इनमें कॉमन लेना आपको। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें है 2 इसमें, अक्ष इसमें अक्ष इसमें, तो 2 अक्ष कॉमन आ गए, 2 अक्ष कॉमन ले यहाँ 2 अक्ष बचा लो, यहाँ पर थोड़ा मतलब होती है 2 अक्स - 2 अक्ष का बाद इसमें देंगे तो a² + b² है, क्योंकि ब्रैकेट लगाना है क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह, इस वजह से यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, प्लस है तो प्लस कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पर a² - b² यानी यहाँ पर अच्छा कॉमन आएगा,
ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा दो बच गया और यहाँ पर बच गया क्रॉस बच गया। यहाँ पर माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदल के देना है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ तक करने कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये वापस कॉमन आ रहा था तो इसको वापस कॉमन निकालेंगे। वापस कॉमन लेने पर क्या बन जाती है, वापस जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, दो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बच गया दो एक्स और यहाँ बच गया माइनस का चिन्ह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है जीरो। या अब देखिए दोनों पदों को बारी बारी से जोड़ रखना तो या तो दो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो या दो एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ से अक्स क्या निकलेगा, फिर यहाँ से अक्स निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा और यहाँ से अक्स निकालेंगे तो यहाँ से अक्स निकलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा। आप कह सकते हो कि विकास समीकरण के जो रो मूल या जो रो हल है ये क्या बने, एक तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा दो और दूसरा बना दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा। ये लाइन हमेशा आपको इसी लाइन में अतः विकार समीकरण के दो अक्ष बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा दो व अक्ष बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा दो। यहाँ पर जाकर सवाल आपका एंड हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 3.3 के दूसरे का उसमें मैं पहले बता देता हूँ आपको कि उसमें आपके टुकड़े किए गए, उसमें आपको बदले पद जो है आपके उसके गुणनखंड नहीं करने हैं, उसके टुकड़े नहीं करने हैं, यानी ऐसे उसको दो हिस्सों में नहीं तोड़ना है क्योंकि उसने चार को पहले से ही बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए उसमें वाकई भी चार चले गया तो हाँ उसमें वाकई भी चार को दिए गए, इसका मतलब उसने टुकड़े किए हुए हैं गुणनखंड किए गए हैं। गुणनखंड किए गए तो आपको शुरू के दो लास्ट के दो में क्या कर लेना बच्चों, कॉमन ले लेना है और कॉमन लेने के बाद में जो भी आएगा मान उसको दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से जीरो के बराबर करके आपको निकाल लेना है। तो देखिए उसके उत्तर को ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर। तो इसमें आपको क्या करना है, टुकड़े किए हुए हैं पहले से तीन पद नहीं कह सकते आपकी एक दो और ये तीन पद नहीं है दरअसल ये एक टाइप का चार पद है क्योंकि यहाँ पर अक्ष का गुणा बी स्क्वायर से होगा और अक्ष का गुणा ए सी से होगा तो ये दो पद बना लेगा और दो पद पहले से यानी टोटल चार पद। तो आपको सबसे पहले लिखना है दी गई द्विघात द्विघात समीकरण, सबसे पहले आप पूरा समीकरण उठा लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी रूट एक्स माइनस बी सी बराबर। इसमें क्या कीजिए आप एक्स का गुणा कर दीजिए तो क्या बनेगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर जीरो। सर के दो लाइफ के दोनों कॉमन लीजिए, बी यहाँ पर है बी यहाँ पर एक्स यहाँ पर है एक्स यहाँ पर है तो कितना बता ए एक्स बच गया यहाँ पे और यहाँ पर जो बच गया वो आपका बी बच गया। फिर देखिए ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे माइनस तो माइनस कॉमन लेना है कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेना है तो यहाँ पर सी दोनों में सी कॉमन ले लिया तो ये एक्स बच गया माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस प्लस बन जाएगा और ये बच जाएगा बी बराबर बी। अब देखिए ये पद और ये पद दोनों वापस एक जैसे हो गए एक कॉमन आ गया वापिस सब तो यहाँ ए एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। अब आप ये दोनों जो गुणनखंड बन गए इनको बारी बारी से शून्य होना चाहिए तो आप देख सकते हो कि अतः या तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो या बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। अतः यहाँ से जो निकलेगा तब यहाँ से जो निकलेगा मान ए एक्स बराबर माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी बटा ए या यहाँ से निकलेगा बी एक्स बराबर सी एक्स बराबर सी बटा।
समीकरण के दो मूल x बराबर माइनस बी बटा ए x बराबर सी बटा बी है। इस टाइप से आपको सवाल है वो करना पड़ेगा। अब हम अगली विधि देखते हैं। मैंने बताया द्विघात समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं। पहली अपनी है गुणनखंड विधि, जिसको हमने यहाँ पर सीख लिया है। अगली जो विधि है वो आपकी पूर्ण वर्ग विधि, और लास्ट जो है आपका द्विघात सूत्र या समीकरणशाही सूत्र है। जब आपको ट्यूशन में कह दिया जाए कि विधि आपकी जो है उससे करना है तो आपको उसी विधि से करना है। लेकिन जब कभी नहीं कह दिया कि आपको द्विघात समीकरण देते कह दिया कि स्थानीय घर के लिए, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ही द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखें। तो अब हम अगली विधि है उसका मेथड देखते हैं कि उसमें कैसे करना होता है, द्विघात समीकरण का हल करने में किन किन चरणों का पालन करना है। पूर्ण वर्ग विधि से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है आपको हल करने में, लेकिन इसका भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है तीन नंबर में। हमारी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा दी गई द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। ठीक है पहले बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि से दी गई द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना आपको। इसके लिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। 2x² - 5x + 3 = 0 ये जो द्विघात समीकरण है इसका हल याद करना किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चरण वाइज चलना है कि पहला चरण क्या है, अगला चरण क्या है, सारे चरण यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो पहला चरण सुनिए अच्छे से कि द्विघात समीकरण है उसका पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक अभी कितना है 2, अक्ष का गुणांक कितना है -5, अच्छा तक कितना है +3। तो यहाँ अक्ष स्क्वायर का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए, प्लस का एक होना चाहिए। प्लस एक के अलावा जो कुछ होगा उसी का भाग पूरे समीकरण में लगा देना है। तो सबसे पहले लिखना है कि यहाँ अक्ष स्क्वायर का भाग इकाई नहीं है, अतः अक्ष स्क्वायर का मान इकाई बना लेते हैं। इकाई बनाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में दो का भाग देना, दो का क्यों दे रहा हूँ, दो अक्ष स्क्वायर का गुणा तो उसी का देना है, समझ आ रहे हैं, दो का भाग देने दोनों पक्षों में लेना बच्चों भाग। तो आपको ध्यान रखना आर एच एस में जब भाग लगाएंगे हम इसका तो बराबर में जीरो है, हमेशा जीरो ही रहता है, इसलिए जीरो ही आएगा। तो जीरो बटा दो बराबर कितना है 0, लेकिन बाकी जो ये दो है इसका भाग यहाँ पर पड़ते हैं पद में लगाना आपको। तो 2x² - 5x + 3 = 2 = 0। जो चीज़ कट रही है उसको काटना भी 2 से कट रहा है, 5 से 2 नहीं कट रहा है, 3 और 2 नहीं कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट रहा है। इतना समझ में आ गया आपको सबको। तो यहाँ पर जो पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि अक्ष स्क्वायर का गुणा का क्या बनाना है, इकाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में अक्ष स्क्वायर का गुणा के इकाई बनाने पर। आगे के दूसरों में आप इतनी लाइन लिखोगे, अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर देने पूरा होगा। अगला चरण क्या है इसमें, अब आपको अचर पद का पक्षांतरण करना है। अचर पद यानी जिसने आपके अक्ष नहीं चल रहा उस पद का पक्षांतरण करना है, यानी उसको आपको उधर भेजना है बाएं साइड में, सॉरी दाएं साइड में। तो यहाँ अक्ष स्क्वायर और -5x² को दो, यहाँ पर आप एल एच एस में रखोगे बाएं तरफ और 3/2 को उधर लिखोगे। अब आप लिखोगे अचर पद का पक्षांतरण करने, इधर लिख सकते हो अचर पद का पक्षांतरण, हमेशा अचर पद का ही पक्षांतरण करना है, अचर पद का पक्षांतरण करना। क्या बनेगा देखिए, या x² - 5x² - 3/2 इतना हो गया। इसके बाद अगला जो चरण है वो ये है कि अक्ष का गुणांक दे दिया, अक्ष का गुणांक कितना है बच्चों -5/2, इसका
का क्या करना है आधा, अक्ष के गुणा का क्या करना है आधा, तो लाइन लिखनी है कि यहां अक्ष के गुणा कितना है माइनस पांच बटा दो, ये आधे यानी माइनस पांच बटा दो का आधा करने का मतलब है एक बटा दो से गुणा करना है, और जब कटे तो काटना है यानी कटे तो कितना है उसको माइनस पांच बटा चार, बटा माइनस पांच बटा चार जो आया है आधा करने पर इसका वर्ग माइनस पांच बटा चार जो हम आधा करने पर आए हैं उसका वर्ग जो है वो समीकरण के सीधे दोनों में दोनों पक्षों में दोनों है, यानी आपको अक्ष का गुणांक देखना है वो प्लस का तो प्लस लेना है माइनस तो माइनस, ये नहीं कि आप केवल गुणांक करो, आपको अक्ष का जो गुणांक जितना भी है माइनस पांच बटा दो है इसका आधा करना है, आधा करना है उसको एक बटा दो से गुणा करना है, कटे तो यहाँ ऊपर नीचे काटना है वही गुणांक आ गया, नहीं कटे तो आप ऊपर उसका गुणांक नीचे लिखेगा, जो भी आया उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दे, दोनों पक्षों में क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पर ये चीज है वो यहाँ पर लागू करनी है इस समीकरण में, तो अक्ष स्क्वायर माइनस पांच अक्ष बटा दो जो ये है अपना मान, इसमें आपको पक्षांतर करने वाले मान के अंदर इसमें आपको क्या जोड़ना है माइनस पांच बटा चार का वर्ग, माइनस पांच बटा चार का होल स्क्वायर करके लिखना है, और यहाँ माइनस तीन बटा दो इसमें भी क्या जोड़ना है माइनस पांच बटा चार का होल स्क्वायर जोड़ना है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ऐसा करके आपका एल एच एस हमेशा पूर्ण वर्ग बन जाता है, इसलिए विधि का नाम क्या है पूर्ण वर्ग, एल एच एस वाली चीज हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगी, और उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कैसे लेना है कोष्टक लगाएं, कोष्टक में सबसे पहले स्क्वायर वाले पदों देंगे यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, इसलिए इसका आधार देंगे यहाँ आधार एक्स है यहाँ आधार कितना बनता है माइनस पाँच बटा चार, कोष्टक बंद कीजिए ऊपर बाद दो लगाइए, ये दो लगाते ही ये वापस इसका प्रसार करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी बनेगा यहाँ पे, उससे ये वापस ऊपर वाला पद बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया अगर पूर्ण वर्ग, और बराबर वाला जो मान है उसको एक साथ हल करना है माइनस तीन बटा दो प्लस ये आगे माइनस पाँच बटा चार में स्क्वायर का मतलब है माइनस पाँच बटा चार को दो बार लिख के लिखा करना है, तो आ जाएगा पच्चीस बटे सोलह, कितना जाएगा बच्चों पच्चीस बटे सोलह, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, अब आर एच एस में जो भी मान है यहाँ पर ये दिन के तौर पर बना है इसको एक साथ हल कर लेना पूरा का पूरा, इसको क्या कर लेना है हल करके एक सिंगल मान इसको सिंगल मान में इसको ले आना है, अब इसको हल करने के लिए आपको भिन्नताई रूल लगाना है या परिमेय संख्याओं में जो जोर बात होती है वही रूल लगाना है, एलसीएम यहाँ पर लेंगे हम सोलह आएगा दो का भाग इसमें आठ बार आठ को इसे गुणा के माइनस का दो, यहाँ पर इसका भाग एक बार इसको गुणा के पच्चीस, अब देखिए यह आ जाएगा अक्स माइनस पाँच बटे चार का होल स्क्वायर बराबर इसको हल करने पर आएगा माइनस प्लस घटेगा तो एक बटे सोलह प्लस आएगा, अब देखिए ये जो घात दो है इसको उठाना है यहाँ से और इसके वर्गमूल लगाना है, दोबारा सुनिए ये घात दो हमेशा ही आएगा इसका घटे पूर्ण वर्ग के लिए, इसको यहाँ से हटाओ और इसके क्या लगाओ वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, सब हो गया प्लस माइनस पाँच बटे चार बराबर इसके वर्गमूल का चिन्ह लगाओ, और वर्गमूल का चिन्ह लगा के बाद क्या ले लो प्लस का और माइनस का दोनों से, अब एक और बटा सोलह में वर्गमूल आपका ऊपर वाले चीज का भी होगा नीचे वाले का भी होगा, जिसका वर्गमूल होता है उसको तो लिख दो जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसको आपको क्या करना है वर्गमूल नहीं लिखना, जैसे यहाँ उन्नीस होता तो एक बट्टा अंडर रूट नहीं लिखता क्योंकि एक का वर्गमूल होता है, और अगर यहाँ पर बारह होता तो मैं बारह को क्या लिखता वर्गमूल होने पर बारह को मैं दो रूट तीन लिख सकता, क्या लिख सकता दो रूट तीन, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि वर्गमूल कैसे लेते हैं, बट्टे में आया चार प्लस माइनस एक का चार। अब आपको दो केस बनाने हैं स्थितियाँ बनानी है, एक स्थिति फर्स्ट जो है उसमें धनात्मक चिन्ह और दूसरी स्थिति सेकेंड जो है उसमें धनात्मक चिन्ह लेना है, इसमें आपको धनात्मक चिन्ह लेना है और दूसरे में आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करना है, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो अक्ष माइनस पाँच बटे चार बराबर में कितना लेंगे एक बटा चार, तो अक्ष बराबर यहाँ से निकल जाएगा पाँच बटे चार प्लस एक बटा चार हल हो क्या लेंगे बच्चों पाँच प्लस एक यानी छः बटे चार, कितना आ जाएगा छः बटे चार कट रहे से आ गया तीन बटा दो, तो इसका पहला मूल कितना आ गया तीन बटा दो, दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेंगे हम तो आ जाएगा अक्ष माइनस पाँच बटे चार बराबर माइनस एक बटा चार, या इसको लिख सकते हो अक्ष बराबर पाँच बटे चार माइनस एक बटा चार, लघुतम लेके करेंगे लघुतम था छः में लेना भी है चार बटे चार कटने के बाद कितना आ गया एक, तो कहने का मतलब है कि दूसरा मूल कितना आया है एक, तो आप इसको एक साथ लाइन में लिखोगे
के ही यानी सूत्र अतः द्विघात समीकरण के दो दो अक्ष बराबर तीन बटा दो अक्ष बराबर एक। अब समझिए, अब इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ तक तो आपको हल करना है, लेकिन ये स्क्वायर वाला जो मान है इसके बाद में जो मान आएगा वो तीन टाइप की स्थिति ले लेता है। जैसे यहाँ पर एक्स माइनस पाँच बटा चार का होल स्क्वायर प्लस का एक बटा सोलह है, यही अगर ये माइनस का आ सकता है ये बराबर में जीरो आ सकता है। तो वो मैं साइड में बता रहा हूँ कि अगर एक्स माइनस पाँच बटा चार का होल स्क्वायर बराबर कैसा आता माइनस का एक बटा सोलह का, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख के इसको लेस देन जीरो, क्या करना आपको डायरेक्टली लिखना है लेस देन जीरो, और फिर आपको लैंग्वेज में ये लिखना है कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मोल है नहीं। ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बोलूंगी कि कोई भी संख्या का वर्ग हो रहा है वो माइनस का है, ऐसा संभव नहीं है। किस संख्या के लिए? कोई भी वास्तविक संख्या के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मोल है नहीं। यही अगर बच्चों ये स्थिति न जनरेट होकर स्थिति अगर आपकी यूँ आ जाती कि एक्स माइनस पाँच बटा चार का होल स्क्वायर बराबर में पूरा कितना रहता जीरो, तो आपको क्या करना है? तब आपको ये जो स्क्वायर वाला मान है इसको दो बार लिख लेना है, एक्स माइनस पाँच बटा चार, एक्स माइनस पाँच बटा चार बराबर जीरो। अब एक बार आपको इसको जीरो मिटाना है, एक बार इसको, तो ये दोनों मान क्या आएंगे? पाँच बटे चार जीरो मिटाना है। इसका मतलब है द्विघात समीकरण के मूल कैसे आए? वास्तविक व समान, और अभी जो आए हैं अपने फ्यूचर में वो आए वास्तविक और भिन्न। क्लियर हो गया आपको? तो आपको पूर्ण वर्ग भी है उसके फ्यूचर में, अब आपको हल करने स्टार्ट कर देने हैं।